सत्तू पराठा बनाने के लिए सत्तू ले ली हूँ, प्याज ले ली हूँ, अदरक ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, दो मिर्ची ले ली हूँ हरी मिर्ची, ये नींबू ले ली हूँ, गोलमरीच पाउडर ले ली हूँ, अजवाइन ले ली हूँ, स्वाद अनुसार नमक ले ली हूँ, धनिया पत्ता ले ली हूँ, ये आटा ले ली हूँ। इसको सान के सत्तू पराठा बनाने के लिए ये सब काट के सत्तू में डालने के लिए ले ली हूँ। ये सब काट ली हूँ सत्तू में डालने के लिए, लहसुन मिर्ची अदरक और प्याज ये सब। अब इसमें डाल के सत्तू को बना लूँगी सत्तू पराठा बनाने के लिए। सार नमक भी डाल दूंगी अपना। ये आटा भी सान ली हूँ। अब इसमें सरसों तेल डाल के बना लूंगी। सत्तू में सब डाल के बनाने के लिए रेडी कर दी हूँ। अब जा रहे हूँ बना सत्तू पराठा। भर ली हूँ, भर के इसमें और इसको बेल दी हूँ। अब बनाने के लिए पैन गरम हो गया है, इसमें डालूंगी। तेल लगा के वो कर ली हूँ, तैयार हो गया है ये सत्तू पराठा बना के तैयार कर दी। अब बच्चा लोग के सर्व करने के लिए जा रही हूँ। अरे वाह मॉम, ये तो बहुत अच्छा बना है। तो ऐसे ही रेसिपीज देखने के लिए हम लोग के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए।